हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में गांव में था, लेकिन अब मैं दिल्ली आ चुका हूँ। गांव से एक दो दिन हो गया आए हुए हमें, तो अब हम दिल्ली में हैं। तो यहाँ पे तो गाइस पूरा दिन बोरिंग सा ही निकलता है। गांव में तो फिर भी टाइम पास हो जाया करता था थोड़ा बहुत घूमने फिरने से। वहाँ पे तो इतने लोग हैं तो उनसे, बट यहाँ पे तो घर में ही रहो। अभी तो कुछ कॉलेजेस वगैरह भी नहीं खुले हैं और बहुत टाइम से कहीं घूमने जाने का भी प्लान नहीं बन रहा है, तो अभी तो खैर बोर ही हो रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं गाइस, ये तो मेरा रूम है, नीचे चलते हैं, नीचे दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। सो गाइस, ये मेरी बहन है, ये देखिए खाना बना के क्या बन रहा है। आज चावल बन रहे हैं, चावल। हाँ, चावल मैं बहुत खाता हूँ दोपहर में, तो मेरे को चाहिए ही चावल, क्योंकि ट्रेनिंग पे आऊँ अभी मैं, तो इसलिए चावल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खाने लायक है, बहुत ही अच्छे बनाऊंगा। चलो गाइस, तो इसने मेरे को अब चैलेंज दे दिया है चावल बनाने का, तो अब मैं इसे चावल बना के दिखाऊंगा और देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे तो बना ही नहीं कभी, लेकिन आज पहली बार बना रहा हूँ, देखते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। हाँ देख लीजिए, तो गाइस अब मैं बनाने जा रहा हूँ चावल, पहली बार बना रहा हूँ। चलो तेल को डाल दिया इसमें, तेल अब गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालते हैं। अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, अंदाजा। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, पहले इसको काले होने देंगे। जीरा डाला था, अब इसमें प्याज डालेंगे। और ये गरम है बहुत, जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें हमने टमाटर प्याज डाल दिए गए, अब तो इसको थोड़ा बहुत पकने देना है। अब मैं मसाले ऐड करता हूँ, कुछ मसाले में पूरा तो पता नहीं, कुछ कुछ डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर से देख लो कि चावल बनाने वाले को इतना नहीं पता कि मसाले ऐसे कोरे नहीं डलते। नहीं मस्त बनेंगे, बीच में कमेंट मत कर, पहले बनाएंगे। और इसमें थोड़ी हल्दी, हल्दी थोड़ी बहुत डालेंगे। चलो हल्दी भी डाल दी, गाइस देख लेना बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर डालेगा, क्या अच्छी शक्ल होगी। मसाले अच्छे से पक रहे हैं, अभी तो पकेंगे, फिर इसमें चावल हम डालेंगे। गाइस अब मैंने चावल रख दिया है अभी तो पकने के लिए, अब थोड़ा कुकर बंद करके, तो अब इसमें 5 सीटी लगेंगी तब मैं निकालूंगा, फिर देखते हैं कैसे चावल बनते हैं। खैर पूरी मेहनत किया मैंने, तो अपनी पहली बार बना रहा हूँ, उसके हिसाब से देख अच्छे ही बनने चाहिए गाइस। और इसका मुंह बंद हो जाए, ऐसे बनने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चावल बनेंगे, और बनेंगे मैं बता रहा हूँ ना। चलो 5 सीटियों के बाद इसको खोल के देखते हैं कैसे हैं, तब रिजल्ट आएगा हमारा। तो गाइस अब ये बन चुके हैं, अब इसको हम ओपन करेंगे, इसमें 5 सीटी लग चुकी हैं, अब इसको देखते हैं खोल के कैसा है कैसा नहीं बना है। कैसे बना है कैसे बना है, अरे अच्छे से तो है, लेकिन लगता है शायद इनमें पानी रह गया है। तो गाइस बने तो अच्छे ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी ज्यादा है, लेकिन अब मिक्स करने से तो इतना नहीं लगा। हाँ अच्छे बन गए, ठीक है, खाने लायक तो है ही, कोई नहीं पहली बार था। ये खिले हुए चावल अच्छे हैं। अब चावल तो बन चुके हैं यहाँ पे, अब रोटी तैयार हो रही है, रोटी खाएंगे अब। देखो हम गाइस, हमारे घर में मिट्टी के तवे पे रोटियाँ होती हैं, गांव से लेके आते हैं ये तवे, हम अच्छी लगती है इस पे रोटी।
चूल्हे वाली रोटी का स्वाद आता है, पूरा तो नहीं आ पाता लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बनती है। ये मेरी बहन बनाती है। देखो गाने सुनते सुनते गानों का बहुत शौक है इसे। तो गाइस अब ये बन चुकी है, अब चलो रिव्यू लेने की बारी है। तो मम्मी नीचे ही हैं, मम्मी से रिव्यू लेते हैं कि कैसी बनी है कैसी नहीं, तो नीचे चलते हैं। चलो मम्मी को अच्छी लगेगी, देख लियो गारंटी। मम्मी गाइस, मम्मी क्या कर रहे हो? काट रहे हैं। अच्छा फ्रूट्स काट रहे हो, चलो ये बताओ टेस्ट करके कैसा बना है। मैंने बनाया हाँ खिचड़ी बनाए तो चावल पे बन गई खिचड़ी। कैसी बनी खिचड़ी? बहुत अच्छी बनी। अच्छा खाने लायक है ना? है। बस गाइस देख लो अच्छी है, वैसे बनने में बस दिखने में ही थोड़ी ऐसी लग रही है, नहीं बाकी तो बनी तो अच्छी है। चावल की खिचड़ी बनी है, कोई चावल नहीं बना है, खिचड़ी बनी है। कोई नहीं ना, खाने से मतलब खाना अच्छा, बस खाना अच्छा लग रहा है ना, तो क्या दिक्कत है। तू भी टेस्ट करके बता। कोई नहीं, तो गाइस देखो मैं, तो गाइस देख लो कितनी अच्छी बनाई है मैंने। वो तो देखा मैं चैलेंज जीत चुका हूँ। लेकिन जिम भी नहीं जा पाया आज, इतनी जोर से बारिश हो रही है। आपको दिखा दूं मैं, देखो तो गाइस इतनी जोर से बारिश हो रही है, अब शायद आज जिम भी ना जा पाऊं मैं। मैंने सोचा था आज जिम जाएंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, प्री वर्कआउट मील भी ले ली थी, लेकिन सारा प्लान कैंसिल हो गया। देखते हैं मैं रिटर्न कभी जाना नहीं था। तो ये पहले एक्सरसाइज को चेक की लाइट बैंक का हमने शॉर्ट कट लगाए हैं, बड़ा बड़ा आप भी लगा।
सो गाइस मैं अब जिम से घर आ चुका हूँ, बहुत बुरा हालत हो गया। तो देखो बहुत तगड़ा वर्कआउट किया, आप देख सकते हो मेरी टी शर्ट पूरी स्वेट में हो रखी है। तो वीडियो को आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया है। बाय।